ये लोकतंत्र की जीत है, आम जनता की जीत है। मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि सब लोगों ने जिस तरह चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उम्मीद से ज़्यादा मत दिए मेरे को, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी आमजन को, आम कार्यकर्ताओं को, सबको, पूरी देवली उनियारे की जनता को और प्रत्येक से प्रत्येक सबने जो सहयोग किया उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार इस परिस्थितियों में भी इतने वोट दिए मुझे। जनता ने आपको जिताकर ये बता दिया है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जिस तरीके का कांड समरावता में हुआ था। नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो एक कानून न्याय संगत तरीके से कहना चाहिए, सभी को उसकी पालना करना चाहिए, उसमें आप भी हैं हम भी हैं, सबके लिए कानून बराबर है और हमारे जो संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए ताकि हम आम लोगों की सेवा कर सके और सबको न्याय दिला सके। क्या इस थप्पड़ कांड से बीजेपी को फायदा होगा? हम फायदे नफे के लिए काम नहीं करते, हम तो हमारी सेवा का काम है, हमको जनता चुन के भेजती है, हमारा फर्ज बनता है कि उन लोगों के जो जिन्होंने हमको चुन के भेजा है उनके उनके विश्वास पर खरा उतरें, वो हमसे अपेक्षा करते हैं, उनकी अपेक्षा के ऊपर खरा उतरें, वो हमें बताते हैं जो करें ताकि उनको ये महसूस हो कि हमारा प्रतिनिधि सही चुन के हमने भेजा है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा कि आम आदमी तक वो योजना पहुंचे, उसका सही जगह उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, भ्रष्टाचार कम हो, ख़त्म हो और अच्छे जो हमारे लोग वंचित है अब तक सरकारी योजना से उनको लाभ दिलाएंगे और जो जो परेशानियां हैं क्षेत्र की, जिसमें सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब क्षेत्र में काम करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे देवली उनियारा का। जिन लोगों का नुकसान हुआ है आगे नहीं में, उनको मुआवजे की मांग करेंगे आप? सरकार और हमारे प्रतिनिधि गए हैं, हमारे मंत्री जी गए हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, जो भी सरकार की योजना सरकार जो भी तय करेगी वो सरकार को तय करना है। आपको कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती अब रहने वाली है, जिस तरह से पूरा समरावता कांड हुआ उसके बाद जो उसको लेकर क्या? अचानक कई बार हो जाती है गड़बड़, ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून व्यवस्था अपनी जगह सही है, सब लोग काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, आमजन अपना काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे क्योंकि कानून आम आदमी सब हम एक ही हैं, एक ही पार्ट हैं, सब मिलकर काम करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, शांति रहे, इसके लिए हम सब सहयोग करेंगे। 10 साल के बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, क्या मायने निकालते हैं? अपेक्षाएं ज़्यादा है लोगों की क्योंकि कभी परेशान रही है हमारी सरकार के रहते हुए हमारे विधायक नहीं रहे, अब सबको उम्मीद है कि हमसे ज़्यादा अपेक्षाएं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किस तरीके देखते हैं? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय संगत काम करेंगे, गरीब को गणेश मानकर सेवा करेंगे, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये हमारा उद्देश्य है। आप लगातार कहते रहे कि सरकार चुनाव लड़ रही है, ऐसे में आपकी जीत कहीं ना कहीं सरकार के काम पर मुहर है? देखो, सरकार के प्रतिनिधि हैं जो भी हैं वो भी हमसे बन के जाते हैं, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं, तो सब एक ही पार्ट है, सब लोग हम मिलकर काम करते हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि आम आदमी का विकास कैसे हो, आम आदमी आगे कैसे बढ़े, आम आदमी को कैसे सुविधा पहुँचे, कानून व्यवस्था बनी रहे, सब लोग आराम से रहें, आनंद से रहें। इस जीत का श्रेय किसे देंगे? आम जनता को, जिन लोगों ने मेरे को विधायक को, हमारे कार्यकर्ताओं को और सब आप लोगों को भी, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं, मेरी बात आपने आम जन तक पहुंचाई और उन्होंने मेरे को खुद मत और समर्थन देके विधानसभा में पहुंचाएंगे, सब धन्यवाद के पात्र। मैं कुछ नहीं चाहता, जनता जो चाहती है वो करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो वो कहते हैं वही सोच, उनके लिए जिनकी उनकी खुशी में हमारी खुशी, आमजन की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, हम तो सबको मुस्कुराते देखना चाहते हैं, खिलते हुए देखना, प्रेम से रहें, एक दूसरे के आनंद में रहें, एक दूसरे की मदद करें, सब मिलकर काम करें, ये हमारा। अगर ऐसा उपद्रव होता है तो ऐसे उपद्रवियों को लेकर कितने संकल्पित हैं कि? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई उपद्रव नहीं होता और सब मिलकर काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, उपद्रव कहाँ से होगा, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा उपद्रव कहीं होगा भी नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हम तो सब मिलकर काम करते हैं और आमजन के लिए काम करते हैं, उसकी सुविधा के लिए काम करते हैं, उनको किस प्रकार उनको न्याय मिले और न्याय संगत हो, हर काम न्याय संगत होना चाहिए, आम आदमी को न्याय मिले, आम गरीब का विश्वास हो, आम गरीब के लिए हम काम करते हैं, आमजन के लिए काम करते हैं, हमारा सबका ये उद्देश्य है।